हेलो स्टूडेंट्स आज हम ट्वेल्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की बेस्ट स्टेजी फॉर मैक्सिमम मार्क्स हाउ टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स ट्वेल्थ क्लास में हम कैसे लेंगे उसके बारे में हम लिखते हैं सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देखेंगे हमारा सी का जो न्यू सिलेबस है सेशन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन का उसमें हमारी पहली यूनिट रहेगी फोर्टी मार्क्स की जिसका नाम है कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जिसके अंदर पाइथन बेस्ड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दूसरा हमारा यूनिट रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स उसमें कंप्यूटर नेटवर्क संबंधित हमारे टेन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीसरा हमारा डेटा बेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर हमारे ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस प्रकार हमारा ओवरऑल थ्योरी पेपर रहेगा हमारा सेवेंटी मार्क्स का और हमारे थर्टी मार्क्स के प्रैक्टिकल मार्क्स रहेंगे तो इस प्रकार हमारा टोटल पेपर कितना हंड्रेड मार्क्स का अब हम यूनिट वाइज टॉपिक्स देखेंगे जिसमें अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर इन फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर थिंकिंग प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग नाउ वी हैव सेकेंड यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क और इसके कितने हैं अपने एट टॉपिक्स नाउ वी हैव थर्ड यूनिट डेटा बेस मैनेजमेंट एंड इसके कितने हैं बच्चों फाइव टॉपिक्स अब हम कैसे प्लान करेंगे हमारे पेपर पैटर्न को हम सबसे पहले देखेंगे हमारा पेपर पैटर्न रहेगा सेशन 2021 का जिसमें हमारे टाइमिंग्स रहेंगे थ्री आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स रहेगा हमारा 70 मार्क्स का इसको डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में सेक्शन ए और सेक्शन बी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे रहेंगे 40 और ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग ऑनली अब हम देखते हैं हमारा प्लान कैसे हमारे पार्ट ए में कौन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे रहेंगे ट्वेंटी

और हमारे इसमें सेक्शन्स रहेंगे वन टू थ्री सेक्शन वन में हमारा क्या रहेगा टेन और वो टू मार्क्स ईच क्वेश्चन हमारा रहेगा और इसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी हमें दो क्वेश्चन में और हमारा सेक्शन टू रहेगा फोर क्वेश्चन में और वो प्रत्येक क्वेश्चन हमारा थ्री मार्क्स का रहेगा और इसमें भी हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी और सेक्शन थ्री जिसके अंदर हमें थ्री क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा फाइव मार्क्स का रहेगा और इसमें इंटरनल हमें एक क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस भी मिलेगी हाँ बच्चों अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे रिविजन कैसे करना है हमें रिविजन तो हमारे पहला है हमारे प्रिपेयर नोट्स करने हैं हमें जो प्रिपेयर नोट्स में क्या बनाने फ्लो चार्ट बनाने डायग्राम बनाने और डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखनी है और दूसरे पॉइंट में हमें हाईलाइट करने है हमारी मिस्टेक्स को जो हमारे प्री बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक करी है उनको हाईलाइट करके लिखना है ताकि हमारे मेन एग्जाम में वो हमारी गलती दोबारा हम दोहरा नहीं पाए थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हमारा को जितना ज्यादा हो सके हम उनको प्रैक्टिस करनी है फिर हमारा पे अटेंशन ऑफ सिंटेक्स रूल्स हमारे प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स रूल्स का हमें ध्यान रखना है अगर हम पंचुएशन मार्क्स पे भी अगर हम नहीं कर पाए तो हमारा स्कोर हमारा स्कोर कम हो जाएगा और ट्राई टू कवर ईच चैप्टर हमें यहाँ पर हर चैप्टर को ट्राई करना है और अंडरस्टैंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा हमें क्या करना है बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को करना है प्रैक्टिस वेल ऑन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हमारे प्रोग्रामिंग में ज़्यादा ज़्यादा हम आउटपुट वाले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें फिर है पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें क्या केयर करना है पंद्रह मिनट हमारे पेपर्स को रीड करना है और जो हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन आता है उसको करना है और जो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारे को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है अगर हमारा एक नंबर का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से एक नंबर को वेटेज देना है दो नंबर का क्वेश्चन है तो उसको दो नंबर के हिसाब से वेटेज देना है और चार नंबर का क्वेश्चन है तो चार नंबर के हिसाब से वेटेज देना है और पाँच नंबर का क्वेश्चन है तो पाँच नंबर के हिसाब से वेटेज देना है और ये मैटर नहीं करता कि हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में या तो हम मेडिकल में या आईआईटी में हमारे कंप्यूटर साइंस को पढ़ना हमारे लिए इसलिए कंपलसरी है क्योंकि आज हमारी कंप्यूटर साइंस बेनिफिशियल है हर जगह और अगर हम ट्वेल्थ क्लास में हैं तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कंप्यूटर साइंस का नहीं हो सकता अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताता हूं अगर कोई सैंपल का प्रोग्राम आता है और उसमें एरर ढूंढने के लिए आता है तो हमें कीवर्ड्स का ध्यान रखना है जैसे फॉर एक कीवर्ड है एवन हमारा आइडेंटिफायर है लिटरल्स हमारा कॉन्स्टेंट्स है ऑपरेटर हमारा आर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो भी होते हैं हमारे हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं अगर इनमें कोई मिस्टेक आती है या उनमें कोई एरर आता है तो वो चेक करने के लिए हमें हमारे क्वेश्चन में दिया जाता है और ये सभी टोकन्स कहलाते हैं और इनका हमें ध्यान रखना है और यही हमारी ट्रिक रहेगी हमारे क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसी पर ध्यान देना है चाहे वो ऑपरेटर लिटरेचर या आइडेंटिफायर्स या की पूछे तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है दूसरा हमारा पाइथन प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम में हमेशा हमारे को कमेंट्स स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है कमेंट्स हमारे वो होते हैं जिन, जो लाइन हम समझाने के लिए लिखते हैं लेकिन प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती और स्टेटमेंट का हमारे ध्यान रखना है स्टेटमेंट अलाइनमेंट में लिखे जाएंगे अगर कोई फंक्शन में लिखते हैं तो फंक्शन को हमेशा हम कॉलन में दिखाते हैं और कॉलन के बाद जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो इंडेटेंशन रहता है इंडेटेंशन मतलब स्पेस दिया जाता है अगर हम स्पेस नहीं देंगे प्रोग्राम में तो हमारा प्रोग्राम एरर बताएगा ये इस चीज के हमारे को ट्रिक का ध्यान रखना है हमें फुल फॉर्म्स का भी ध्यान रखना है हमें फुल फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जैसे टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल लैन लोकल एरिया नेटवर्क मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वैन वाइड एरिया नेटवर्क एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनएफएस नेटवर्क फाइल सिस्टम फिर हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों जो ब्लॉक टू ब्लॉक जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में हमें हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट करना है तो कैसे लेआउट करना है लेआउट का मतलब होता है सबसे कम दूरी मीटर में होगी वो नेटवर्क लेआउट हमें डिसाइड करना है जैसे देखो फाइनेंस कंफेंस से फाइनेंस की दूरी हमारी 80 प्लस 40 120 मीटर रहेगी जो सबसे कम रहेगी 150 वन टी कंपेरिजन करेंगे तो 120 मीटर रहेगी यह हमारा नेटवर्क लेआउट डिसाइड होगा सबसे कम मीटर की दूरी पर फिर हमारे को डिसाइड करना है सर्वर लोकेशन हमारे सबसे ज्यादा कंप्यूटर जहां पर जिस ब्लॉक में लगाए जाते हैं वहां हम सर्वर डिसाइड करते हैं जैसे फाइनेंस ब्लॉक में हमारे 120 ट्वेंटी कंप्यूटर्स है तो यहां पर ही हमारा सर्वर लोकेट होगा ये ट्रिक हमें हमेशा ध्यान रखनी है ये रिलेशनल डेटाबेस टर्म्स का ध्यान रखें टूपल्स देखो टूपल्स मतलब हमारी रोज रहेंगी और नंबर ऑफ रोज इजकल टू कॉर्डिनेटी इजकल टू टपल्स कहलाएगी नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे एट्रीब्यूट कहलाते हैं और वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कहलाएंगे डिग्री ओके okay, बच्चों मेरे द्वारा बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी आपके मैक्सिमम स्कोर लाने के लिए ओके बेस्ट ऑफ लक गुड लक